हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया हैं? पढ़ाई लिखाई चल रही ना? चलिए ठीक है, तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा है, पिछले अभी पढ़ा हमने क्या कि व्हाट आर द पैरामीटर्स एट विच कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डिपेंड। कौन कौन से पैरामीटर हैं आप पिछले वीडियो में देखे होंगे, पढ़े होंगे। क्या है पहला, क्या हमारा है एरिया प्लेट। दूसरा क्या है सेपरेशन बिटवीन प्लेट। तीसरा क्या है मीडियम बिटवीन प्लेट। अब आएगा क्या भाई, पिछले मैंने कैपेसिटर का फॉर्मूला भी निकाल चुके हैं, सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब देखिए अगर मीडियम है, पहली बात क्या है कि जो मीडियम भरा जाएगा वो पूरा पूरा रहेगा इंसुलेटर। अगर आपने पूरे में डाल दिया कंडक्टर तो क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट हो जाएगा, आपका कैपेसिटर खत्म हो जाएगा, तो कोई प्लस माइनस नहीं रह जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए। हाँ, अगर कंडक्टिव मीडियम भरना है तो भरते हैं पार्शियली, थोड़ा बीच में, जिससे कि आप प्लेट को टच ना कर पाओ। ठीक है, आ रहा समझ में? इसलिए क्या दो कंडीशन आएगी, एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए हम क्या करें, अगर कोई कैपेसिटर है उसकी प्लेट के बीच पार्शियली क्या भर दें, इंसुलेटिंग मीडियम, या पार्शियली क्या भर दें कंडक्टिंग मीडियम, देन व्हाट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर हुआ, आया समझ में? ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, तो अगला क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ, क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। तो पूरा लिखिए, शॉर्ट टर्म न मारिए, ठीक है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट क्या हो गया कैपेसिटर, When partially dielectric medium, देखो dielectric माने insulating, dielectric medium, एक बार थोड़ा हमको पढ़ना पड़ेगा अभी कि dielectric medium की property और क्या होती है, देखेंगे फिलहाल। dielectric medium कैसा होता है, इसे बोलते हैं insulating medium, ध्यान रखिए insulating medium, ठीक है ना, placed between the plate, between the plate of capacitor, plate of capacitor हो गया। चलिए ये आपकी चाहे हेडिंग बोले या क्वेश्चन होगा भेज देता है, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया हमारा। चलो भाई ये मान लो क्या हो गया, ए पैरेलल प्लेट हो गए, क्लियर है, यहाँ क्या हो जाएगा दिस इज प्लस चार्ज, ठीक है, दिस वन क्या हो जाएगा माइनस चार्ज हो गया, बहुत सही भाई, ठीक है, क्लियर आ रहा समझ आ रहा है। दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी हो गई, डी हो गई, इसमें पार्शियली भर रहे, पूरा नहीं कंप्लीटली, दो वर्ड है कंप्लीटली नॉट, ध्यान पढ़ो क्वेश्चन क्या दिया, कंप्लीटली आर पार्शियली, कितना थिकनेस इसका मान लो टी है, इसका क्या हो गया के हो गया, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, ठीक है, यहाँ क्या भाई यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, चाहे इसको वर्किंग तो अन्ना का दूर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा हो गया कंडीशन हो गई। ठीक, क्या निकालेंगे, सिंपल सिस्टम क्या है, अगर जब भी आपको निकालना कैपेसिटेंस यू शुड ट्राई फाइंड व्हाट, यू शुड फाइंड हियर पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट। अब देखो पोटेंशियल क्या है, एयर की में है, मीडियम भी है, सब देखना पड़ेगा वो, ध्यान रहे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू, इसको नहीं बोलना है बी अपॉन डी, बड़ा आराम वाला फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे, ठीक है, ठीक, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे माइनस नहीं लगाए, हम क्या ले रहे हैं यहाँ ले रहे हैं उसका ले रहे हैं ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, माइनस क्या शो करेगा, माइनस शो करेगा, डायरेक्शन शो करेगा, इसलिए क्या हमें हेयर वी आर इंटरेस्टेड टू टेक व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वी अपॉन डी एंड ई, ठीक है, डायरेक्शन तो जो रहेगी डायरेक्शन तो यही हमारी, ठीक है, चलिए तो क्या निकालेंगे, तो फाइनली क्या निकालना है, निकालना पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड है, चलो तो यहाँ क्या लेंगे, चलो भाई मान लेते पहले क्या दिया है, लेट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर हुई चाहे क्या है उसके पास है, हुई चाहे एरिया ऑफ
प्लेट कितनी है, कैपिटल ए। सेपरेशन कितना है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट कितनी हो गई, डी हो गई। ठीक है, एंड अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हैविंग, क्या इसके पास है भाई, हैविंग थिकनेस कितना है, थिकनेस टी है एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है ना, इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट। आई होप समझ में आएगा ना, कुछ नहीं किया, फिगर में जो कुछ बनाया है उसी को एक्सप्लेन कर दिया, यही थ्योरी की रोज बताते हैं बात। ठीक, इसको लिख दे थोड़ा, क्या है सुंदरता बढ़ जाती है ना इसे, बस सब कुछ नहीं है, जैसे आप चलते हो ना कहीं जाने के लिए तो लगाते हो ना, वही काम कुछ नहीं है। ठीक, चलिए समझ में आ गया, चलो आगे बढ़िए। अब क्या निकाले, निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, निकालना है क्या निकालना है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। आप पढ़े हो कीजिए ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में क्या होती है पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है प्लेट से वैक्यूम में क्या पढ़ चुके हो, देखो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, बिटवीन द प्लेट इन एयर, जो चाहे एयर है चाहे वैक्यूम बात क्या होती है, ठीक है, दोनों का डायरेक्ट आंसर एक माना जाता है, ये क्या है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, क्या चूंकि हम तो लेना ही रहे भाई, यहाँ कहते हैं यहाँ तो अर्थ पे है जहाँ एयर रहेगी इसमें ना, कितना हो गया, मान लो ईवन हो गया, कितना हो गया ईवन, हम लोग क्या होता है क्या करिए, दो प्लेटें हैं सिग्मा अपॉन क्या था एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है, के कितना है के एक है, या कितना हो गया चीज आर पी हो गया ईवन इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, याद आया, क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब देखो अगर मान लीजिए मीडियम आ जाएगा क्या पता है, बार बार बताते रहते जैसे मीडियम आया तो इसके यहाँ क्या की और आ जाएगा, क्यों क्यों, जब यहाँ मीडियम आ जाएगा तो क्यू अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन एन इंटू ए आ जाएगा ना, पीछे पढ़े हो एफ के इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको इंटू हो जाएगा, इसलिए क्या यहाँ पे के और आ जाता है, कई बार बता चुके दिमाग बैठे चीज, ठीक है ना, समझ में आ गया, समझा जा रहे हैं, ठीक है, हाँ। एंड क्या निकालेंगे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, बिटवीन द प्लेट व्हेन क्या हो जाए, व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, व्हेन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है ना, इज प्लेस्ड क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड, इसको भाई रख दिया प्लेस कर दिया, नोट कर लिया, ओके, देन ई टू कितना हो गया, ये हो गया सिग्मा अपान के आ जाएगा भाई, या कितना ई टू आ गया, ये हो गया क्यू अपान के एफ आर आई हो गया, क्लियर आ गया समझ में, बहुत बढ़िया, मिटा दे ऊपर, बिल्कुल मिटा दीजिए भाई, चलिए मिटा दिया, चलो अब क्या निकालना, पोटेंशियल, देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट, बिटवीन द प्लेट, चलो वी इक्वल टू, ध्यान दीजिए वी वन, वी इक्वल टू क्या होता है, कहां से ई टू डी होता है, ईवन कहां पे, ईवन कहां पे है, ईवन हमारा एयर में है, देखो टी में क्या हो गया मीडियम, क्या बचेगा टी मीडियम हो गया ना, तो डी माइनस टी क्या बचेगा एयर बचेगा, क्लियर, इसलिए क्या हो गया ईवन हो गया डी माइनस टी हो गया, प्लस ई टू, ई टू मीडियम है, यहाँ क्या है थिकनेस टी है, आगे देखते क्लियर, समझ में आया भाई, देखो ईवन, ईवन कहाँ पे है एयर में है, एयर कहाँ पे है इस पूरा पूरा दूरी है, किम क्या टीम क्या मीडियम हो गया टी निकाल दो, डी माइनस टीम क्या हो गया आपका एयर आ गया, और मीडियम कहाँ पे है थिकनेस टी में है, तो डाल दिया इसको, ठीक इतने समझना है, आई समझ में आ गया होगा, अगर आ गया तो फुट कर दो यहाँ पे, बल फुट करो भाई, कितना हो गया चीज, देयरफॉर बी इक्वल टू आ गया, इवन कितना आया था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए आया था, डी माइनस टी आ गया, प्लस ए
ई टू आया था क्यू अपान के इंटू टी आ गया। फटाफट नोट करते रहो, एक छोड़ जाना पड़ेगा। यहां से क्या कॉमन है, क्यू अपान एक्स कॉमन ले लीजिए, बी आर टी माइनस टी आ गया प्लस टी वाई के आ गया। आ रहा है सही, क्लियर। जैसे भी आया तुरंत क्या करते हैं कैपेसिटेंस, देयरफॉर क्या निकाल देंगे, कैपेसिटेंस सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान बी होता है। बिल्कुल कर दो, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस क्या हो जाएगा, टी वाई के हो जाएगा भाई, यहां की जाएगा कट। क्या बचा, क्या आया, C इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट ए आ गया अपान डी माइनस टी आया प्लस क्या टी वाई के फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया, फॉर्मूला आ गया। अच्छा कभी कभी करता क्या है, इस कई प्लेट डाल देना है, पतली 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 पतली, क्या करेगा, कई प्लेट डाल दिया तो क्या होगा, सोचो जरा, कई प्लेट डाल दिया तो क्या होगा, या मीडियम कंडक्टिव है तो क्या होगा, बड़ी समस्या है। चलो एक देख निकालते हैं, आगे देखो नंबर ऑफ प्लेट हैविंग थिकनेस कितनी हो जाए, टी वन हो गया, टी टू हो गया, टी थ्री हो गया, टी एन हो गया, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये कितना हो गया, के वन है, के टू है, के थ्री है, के एन हो गया, सब क्या होगा भाई, अरे कुछ नहीं होगा, इसमें का चेंज कर लोगा क्या होगा, क्या होगा देखो ध्यान से, क्या होगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन ए होगा सही, इतना है छह, डी माइनस यहाँ क्या हो गया, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री डॉट 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 प्लस टी एन सुन आ गया, फिर क्या हो जाएगा ये प्लस है टी वाई क्या हो गया, टी वन अपान के वन प्लस टी टू अपान के टू डॉट डॉट क्या हो जाएगा, अभी हो गया प्लस टी एन अपान के एन करना गया, हम बस ये फॉर्मूला हो गया, सिंपल फॉर्मूला हो गया, कुछ नहीं करना है, ठीक है निकाल दीजिए। ठीक क्या होता है, जब कई मीडियम क्लियर हो गया, कई मीडियम डाल दिया जाए तो फॉर्मूला आ गया, सिंगल मीडियम डाल दिया तो फॉर्मूला आ गया, पार्शियल डाल दिया तो आ गया। अब एक कंडीशन क्या बचता है कि अगर यहां डाल दें क्या, किसमें इसके कंडक्टिंग मीडियम, कंडक्टिंग क्या करना है, कंडक्ट पूरा नहीं भर सकते हैं, क्यों, मामला शॉर्ट हो जाएगा, क्या करेंगे, वो पार्शली ही पूछा जाता है, तो अगर पार्शली वर्ड आ गया तो वहां थोड़ा आपको ध्यान पढ़ना पड़ेगा, तो पार्शली कंडक्टिंग है पार्शली इंसुलेटिंग है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्या है, अगला टॉपिक क्या होगा, कैपेसिटर था पहले ट्रेन कैपेसिटर व्हेन पार्शली, यहां क्या लिख दो, कंडक्टिंग मीडियम क्या हो गया, कंडक्टिंग हो गया भाई मीडियम, इसको हटा दो ना, पार्शली क्या हो गया भाई, कंडक्टिंग मीडियम जल्दी जल्दी लिखो, हम तो प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपासिटर ठीक है, बिटवीन प्लेस ना, प्लेस हो गया भाई, यहां जगह नहीं छिटा है, चलिए समझा गया, चलो मिटा दे इसको, मिटा रहे हैं, ओके। चलिए भाई समझा गया इतना, अच्छा अब क्या है, ठीक है सेम रहेगा, आप बनाइए फिर से, इन्हें मिटा दो उसी पहले बना दो दोबारा, अंतर क्या है याद करिए, फटे बोलो आपकी पर कंडक्टिंग कितना होता है, हैं कंडक्टिंग मीडियम के के कितना होता है, ये आफत है, के होता है इन्फिनिटी, क्यों, क्यों क्या करता है, वो पूरा पूरा ब्लॉक कर देता है, अपने अंदर इलेक्ट्रिक घुसने नहीं देता, फटे मीडियम के क्या शुरू करता है, इलेक्ट्रिक मीडियम है ना, इलेक्ट्रिक क्या शुरू करता है, कैपेसिटी आर एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू इट, जो बिल्कुल पास करेगा खूब ज्यादा ठीक है, वो क्या हो गया, वो बहुत बढ़िया है, यहाँ बिल्कुल नहीं पास करता है, मैंने क्या है इसको रिवर्स करने की, मैंने क्या बैटरी फिर रोकने क्षमता कितनी होती है कंडक्टिंग में, इन्फिनिटी होती है, बहुत ज्यादा होती है, वो फिल्म बिल्कुल नहीं पास कर देता है, मतलब क्या होता है, क्या है
एबिलिटी का क्या, जो हमारा डायरेक्टिव मीडियम है या जो परमिटिविटी है वो क्या होता है, वो रिवर्स वोल्टेज कैपेसिटी होती है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करने की जो रिवर्स कैपेसिटी है उसको शो करती है, ध्यान रखिए, ठीक, अर्थात रोकती है। बैकग्राउंड से ज्यादा फील्ड लाइन पास होती है, दूसरी मिनट क्या कम पास होती है, इतने होता कुछ नहीं, बाकी सेम कहानी भी इससे मिली फटाफट। अभी जो सिंपलीफाई था ना, क्या हो गया, लेट आ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटर हैविंग एरिया, कितना हो गया एरिया ऑफ प्लेट, कितना हो गया ए, सेपरेशन कितना हो गया, सेपरेशन ऑफ प्लेट कितना हो गया, कैपिटल ए हो गया, नहीं डी, एंड एंड अ मीडियम, अ कंडक्टिंग मीडियम, अ कंडक्टिंग मीडियम है, कंडक्टिंग मीडियम हैविंग थिकनेस कितना हो गई टी, एंड थिकनेस टी हो गया, एंड और क्या भाई है, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट कितना हो गया की हो गया इनफाइनाइट ना, इज प्लेस्ड इज पार्शियली प्लेन पार्शियली प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट, जो फिगर बनाया है उसी को कर दिया एक्सप्लेन, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, अब क्या निकालें, पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर बिटवीन द प्लेट होगा, बिटवीन द प्लेट कितना हो गया E1 क्यू अपान ना या सिग्मा कितना एप्सिलॉन नॉट होता है, जो कितना हो गया E1 क्यू अपान, क्यों भाई, क्योंकि सिग्मा कितना होता है यार आया क्यू अपान ही होता ना, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चलो। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या निकालेंगे, मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टिंग मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम बिटवीन द प्लेट, कितना क्वेश्चन किया हो बताओ, कंडक्टर इन द फील्ड कितनी होती है, जीरो होती, पढ़े हो ना, हैं हाँ पढ़े हो भाई, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कितना हो गया E2 ये होगा सिग्मा अपान के एफर नॉट होगा, ठीक, कितना बताओ, सिग्मा की हो गया इन्फिनिटी, एफर जहाँ की प्रूव हो गया ना, समझ में आया, जीरो हो जाएगा, चूंकि के है इन्फिनिटी है इसलिए क्या हो गया E2 जीरो हो गया, आई होप दिस क्लियर, समझ में आया होगा, हल्का फुल्का पूरा गया नहीं आता है भाई, चलो फिजिक्स है कुछ एडजस्ट करिए उसको इसके साथ में, है चलिए सो ना रहा होगा, ये क्लियर हुआ E2 कितना जीरो हो गया, हैं अब क्या आ जाएगा नेक्स्ट, अब क्या निकालेंगे, देयरफॉर क्या, देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहला हो गया E1 डी माइनस टी में है, ध्यान है ना, डी माइनस टी में एयर है, E2 तीन क्या है हमारा मीडियम है, सही मारा है, चलो भाई सही मारा, ठीक है, बी कितना है, E1 कितना हो गया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट डी आ गया, ठीक है, इंटू डी माइनस टी आ गया, E2 कितना जीरो हो गया इंटू टी आ गया, ठीक भाई समझ आया, अच्छा जाके समझ में आया, तुम बी कितना आ गया, बी आ गया क्यू अपान, बी कितना आ गया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी, देयरफॉर क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस, क्या निकाल लिया, कैपेसिटेंस सी इक्वल टू क्या होता है क्यू अपान बी होता है, पहले पुट कर दो भाई,
q अपान एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी, क्या होगा सी सी जाएगा कट, क्या बचा सी इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी। आई होप दिस थिंग क्लियर ना, ये तो हमारा हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिटवीन द व्हेन अ कंडक्टिव मीडियम प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ओके थैंक यू भाई।